अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू फैंटास्टिक वीडियो। तो आज हम फ़िश बनाएंगे, ग्रिल फिश। इसकी आपको रेसिपी भी बताएंगे, बहुत ही टेस्टी बनी है। वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर दें। डिलीशियस एंड फैंटास्टिक। अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, कूटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। पीसी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, इसमें अब फिश के पीस डाल देंगे, एक फिश के चार पीस किए, और इसको कट भी लगाएंगे कि जो स्किन वाला हिस्सा होता है उसमें देखें कट लगाएं, ताकि मसाला अंदर तक रच जाए। अब ये मसाला एक एक पीस रख के उसके ऊपर अच्छी तरह लगाएंगे ताकि वो जगह रह ना जाए। और इसको ग्रिल करना है, इस वजह से इसके सिर्फ बड़े पीस ही किए हैं, मछली के चार पीस। ये देखिए, इसको मसाला लग चुका है। और इसके स्पेशली आपने जो कट है ना फिश के, इनमें मसाला लगाना है। अब इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आपने छोड़ देना, ताकि मसाला अच्छी तरह रच जाए। और उसके बाद आपने ग्रिल करना है या फ्राई करना है। ठंड बहुत है नीचे, इसमें ये चीकनी मिट्टी और तूड़ी को मिक्स करके 2-3 दिन पहले लगाया है, और ये 2 दिन सूखी है। और अब इस टाइम ये देखें फुल हार्ड सख्त हो गई है मिट्टी। ये सिगड़ी में मिट्टी इसलिए लगाते हैं ताकि नीचे जो इसका लोहा है वो ख़राब ना हो। और इसकी ना जब आप कोयले जलाएंगे तो मिट्टी से जो आप बारबेक्यू बनाएंगे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अरोमा बहुत अच्छा आपके खाने में आएगा उसका। और हीट रहती है मिट्टी की ना फुल, कोयले क्योंकि जल जाते हैं और मिट्टी भी फुल गर्म हो जाती है, तो हर तरफ से ना आपके बारबेक्यू को आग लगती है और हीट लगती है। तो अब हम फिश लगाते हैं ग्रिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मसाला फुल अच्छी तरह, जिसे कहते हैं ना रच बस गया है। सेटिंग आपने इस तरह करनी है कि दरमियान में, क्योंकि आग ज़्यादा होती है इसलिए आप दरमियान में बड़े साइज़ के पीस रखें, ये दूम वाला साइड किनारों पे करें, और इस तरह ये भी चौड़ाई में यहाँ पे, और ये दूम वाला पीस यहाँ पे। इसको बंद करते हैं। तो अगर पीस पूरा ना है तो इसको इस तरह सीखे लगा के, आप दो सीखे तो होती हैं वुमन घर में, तो इसको इस तरह ग्रिल को अपनी सेट करें। तो एक साइड पकने पे इस पर घी का ब्रश लगा देना है आपने, ताकि सॉफ्ट रहे। जिस तरह एक साइड पक जाएगी उस पर लगा देना, फिर जब दूसरी साइड पकेगी फिर दूसरी साइड पर लगा देना। ये रेडी है बिल्कुल इस टाइम। ओह देखें, ये जो घी लगाया हमने उसकी वजह से फूल ये जूसी हो गई। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये इस तरह ट्रे बनाई है हमने, ट्रे में खीरे, टमाटर, ये चीज़ें डिश आउट की हैं। ये सिर्फ और डेकोरेशन है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही गर्म है।
देखें कितना सॉफ्ट है कि खुद ही खुल रहा है। इसके ऊपर हम ये फॉर डेकोरेशन साथ दो तीन नींबू रख देंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। और जब खाने लगें तो आप ऊपर से लेमन ऐड कर लें। तो अब टेस्ट करते हैं कि टेस्ट किस तरह का इसका। ओहो, फुल सॉफ्ट एंड जूसी। गर्म बहुत है इस टाइम। ये देखें कितनी सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब भी फिश बनाएं नींबू लाजमी डालें ऊपर। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। डिलीशियस एंड फैंटास्टिक। कावा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आप सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।